हुल्लड़ मुरादाबादी ने ये कविता लिखी थी, काफ़ी पुरानी कविता है, मैंने बचपन में पढ़ी थी और मुझे बहुत पसंद है। हमने एक पहुंचे हुए ज्योतिषी पंडित बनवारी लाल ब्रह्मचारी को अपनी जन्म कुंडली दिखाई। 5 मिनट के बाद वो बोला, 3 बातें नोट कर लो भाई। प्रथम ये कि जब शुक्र तुला का होकर तुम्हारी कुंडली के सप्तम भाव में आएगा तो तुम्हारा विवाह हो जाएगा। द्वितीय ये है कि जब बृहस्पति और पंचम घर का स्वामी अपने उच्च नवांश में आएगा तो तुमको पुत्र लाभ कराएगा। तृतीय और अंतिम ये कि तुम्हारी कुंडली में चंद्र मंगल योग है। चंद्रमा की दृष्टि जब बृहस्पति से मिलेगी तो तुम्हारी 50,000 की लॉटरी खुलेगी। जैसा ज्योतिषी ने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। ज्योतिषी के चमत्कार ने मन को छुआ। हमारी पत्नी बोली, विवाह हुआ तो ब्रह्मचारी जी की कृपा से, पुत्र हुआ तो ब्रह्मचारी जी की कृपा से, और अब 50,000 की लॉटरी खुली है। क्या किस्मत मिली है। आप ज्योतिषी के पास तुरंत जाइए और आगे क्या होगा ये पूछ कर आइए। हमने ज्योतिषी का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से उनका नौकर रसिक बिहारी बाहर आया। वो बोला, आज वो किसी से नहीं मिल सकते, सुबह से ही भांग छान कर अपनी ही कुंडली का फलित निकाल रहे हैं, इसलिए हम मिलने वालों को टाल रहे हैं। मैंने उसे 10 का नोट थमाया और सीधा ब्रह्मचारी के पास आया। मैंने कहा, प्रभु आप तो सिद्ध पुरुष हैं, आपकी तीनों भविष्यवाणियाँ सत्य निकली, अब आगे क्या होगा ये बतलाइए। वो बोला, 50,000 फोकट के मिले हैं ना, 25,000 इधर लाइए। मैंने कहा, इतनी बड़ी रकम कैसे दे पाऊँगा। नहीं दे पाएगा तो इसका फल पाएगा, तेरी किस्मत फूट जाएगी और इस महीने की 30 तारीख को तेरी एक टांग टूट जाएगी। मैंने सोचा, इसने कहा था विवाह होगा, हुआ, इसने कहा था पुत्र होगा, हुआ, अब टांग भी अवश्य टूटेगी। मैं सीधा अस्पताल में आया, डॉक्टर से कहा, मेरा एक बेड रिजर्व करा दीजिए। वो बोले, ये पागल है, इसे बाहर निकालो। मैंने कहा, तुम भी 100 का नोट संभालो। डॉक्टर बोला, बेड रिजर्व करा लो। बेड रिजर्व कराया, अपने घर आया। 15 दिन के बाद ज्योतिषी का फ़ोन आया। हेलो, मैं ब्रह्मचारी बोल रहा हूँ, टूटी। मैंने कहा, जी नहीं। वो बोला, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ब्रह्मचारी की भविष्यवाणी अटल है, इस समय क्या कर रहे हो। मैंने कहा, पान खाने जा रहा हूँ। वो बोला, पनवाड़ी की दुकान पर मिलना, मैं स्कूटर लेकर आ रहा हूँ। पनवाड़ी की दुकान पर ज्योतिषी ने स्कूटर मेरी तरफ मारा, बीच में आ गया एक खटारा, खटारे से वातावरण की किस्मत फूट गई। मैं तो ठीक ठाक रहा, ज्योतिषी की टांग टूट गई। अस्पताल में उसी बेड पर लेटे लेटे ज्योतिषी ने कहा, उस दिन मैं भांग इतनी अधिक चढ़ा गया कि कुंडली तो अपनी देखी और भविष्य तुम्हारा बता गया। ज्योतिष